हमेशा नया कुछ ट्राई करते रहना चाहिए. आई स्टार्टेड विद मॉडलिंग, देन आई गॉट इन टू टी वी शोज, एंड अब क्या होता है, टी वी डेली सोप का एक अलग ही पैटर्न है. लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आपका टी आर पी का टेंशन, छुट्टी नहीं मिलता है, टेलीकास्ट प्रॉब्लम, एंड वहाँ पे स्क्रिप्ट का एक टिपिकल पैटर्न होता है डेली सोप, लाइक ऑल हम सबको पता है. तो वो एक लिमिटेड पैटर्न के अंदर ही आपको काम करना पड़ता है. तो एज अ क्रिएटिव पर्सन, वट एवर क्रिएटिव वे यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपको एग्जैक्टली वो मौका नहीं मिलता है. और देर इज़ नो कनेक्टिविटी, एंड आई हैव नेवर बीन वेरी एक्टिव सोशल मीडिया पे. सो आई फील यू नो माई ऑडियंस और माई फैंस, दे डोंट नो एग्जैक्टली हु आई एम, वॉट आई वॉन्ट टू टेल देम, एंड और अपना भी एक यू नो आई जस्ट वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू ट्राई, लाइक यू नो मे बी कभी कभी कुछ आपको खुद करके देखना पड़ता है कि whether you're good at it or bad at it. So this I'm trying something new, fingers crossed, need all your good wishes. So let's see what I do out of it. ये segment है, we thought of doing it because आज के तारीख में I mean हर किसी को, किस लड़की नहीं चाहते कि वो अच्छी दिखे फोटोग्राफ्स में, वी ऑल वॉन्ट इट. मुझे याद है when I also came to बॉम्बे as a model, or not even, you are not a model also, आप फोटो खींचते रहते हो हर जगह पे, आप आजकल हर किसी के पास फ़ोन है, फोटोज़ है, whether you're going for traveling, shopping, हर जगह पे आप सेल्फी खींचते हो, पोज करते हो. सो कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है, दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल कि नहीं मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आते, आई रियली डोंट नो वेयर टू कीप माई हैंड्स, आई नो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. सो आई थॉट ऑफ वहाँ से, और मैं खुद भी बहुत शाय थी इनिशियली, मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ, कैमरा लाइट आ जाता था, मुझे लगा हाथ लेके क्या करूँ, इधर रखूँ, ये करूँ. सो या बट विद टाइम यू अंडरस्टैंड, आजकल आप रेफरेंसेस ले सकते हो मॉडल्स के, ये करते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस भी है. एंड माई फ्रेंड फैजी, फैजी कम हियर. Hello. Faizi, the ace photographer, fashion photographer. Faizi is a very good friend. And Faizi ke saath maine socha ki aisa koi episode karte hai. So we thought ki simple 20 poses for anyone, aap wahan se choose kar sakte. Ye koi hard and fast rule nahi hai ki yehi 20 pose hai. Lekin kabhi agar aap baithe ho, aap soch rahe ho ki kya pose kare, kuch you know, you're going for a party wearing good dress, kaise photo khiche. So these are the references that we are giving to the people, inspiration or reference, whatever you say. So I think it will be fun. Yeah, it will be. Portraits shoot karna to fun hai, obviously. What was your experience working with her? Good, it was good. We did shoot earlier as well. I just barge into Faizi's studio. Pehle bhi humne kafi shoots kiye hain. Wo acha tha. Kafi time baad hum fir se shoot kar rahe hain. Let's see, inshallah acha result aayega. So it's basically about No, this my channel is going to be like it's going to be a magazine. जैसे आप कहीं जाते हो, आप Femina magazine खरीदते हो, Vogue खरीदते हो, Elle खरीदते हो, there are different kinds of topics there. या आप वहाँ पे traveling tips देख सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कि Vogue magazine में आपके science के ऊपर कोई tips आएगा. Within that genre, जो genre मैं समझती हूँ या जिसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ, like health tips, yoga हो गया, diet tips हो गया, traveling हो गया, मॉडलिंग टिप्स हो गया, और एक्टिंग टिप्स तो आई एम स्टिल, आई थिंक वी ऑल आर लर्निंग, बट या आई हैव, एंड नॉट ओनली मी, जैसे मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ में मैं ही एक्सपर्ट हूँ, ऑब्वियसली नॉट. सो आई हैव पीपल विद मी आफ्टर सो मेनी ईयर्स, लाइक यू नो यू हैव फ्रेंड्स, पीपल हु आर जिनके साथ मिल के आप कुछ और अच्छा सोच सकते हो. जैसे ये अगर मैं अकेली करती, मैं शायद इतनी ईजिली 20 पोजेस कन्फ्यूज रहती कि ये करूँ वो करूँ. सो फैजी वॉज देयर विद मी. सो देर लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिसके साथ, जैसे मेकअप टिप्स के लिए आप बोल सकते हो कि अच्छा इस विंटर के लिए, ऐसे फेस के लिए, इफ़ आई हैव अ राउंड फेस तो मुझे कटिंग कैसा करना चाहिए. सो बेसिकली इट्स नॉट ओनली मी, जो मुझे आता है मैं बोलूँगी जितना आता है, जितना नहीं आता है ऑब्वियसली आई विल टेक हेल्प ऑफ फ्रेंड्स हु विल बी गेस्ट इन माई शो. मेनली आई थिंक मैं ज़्यादातर फीमेल के इंटरेस्टेड टॉपिक्स ही कवर करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं आता है मैं ऐसे कार्स और गिज़मोस के बारे में ज़्यादा बात करूँ. सो दैट इज़ आई थिंक जेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट. सो फॉर गाइज, सॉरी दिस नॉट फॉर यू मेनली, बट इफ़ यू कैन टेक टिप्स फ्रॉम हियर एंड गिव इट टू योर गर्ल फ्रेंड्स, एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, जस्ट आई वॉन्ट टू मेक एवरी एपिसोड अनएक्सपेक्टेड, इंटरेस्टिंग, फन, सो दैट ऐसा नहीं कि एक ही ब्यूटी के ऊपर रोज आ रहा है या समथिंग. आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, रैंडम, इंटरेक्टिव एंड लॉट ऑफ फन. थैंक यू.